सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हवामहल सीट से कांग्रेस विधायक महेश जोशी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तस्वीर में नीचे कैप्शन में लिखा है, कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए महेश जोशी। तस्वीर में महेश जोशी के दोनों तरफ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पनिया खड़े हैं और बीच में खुद महेश जोशी खड़े हैं। पूरी तस्वीर के बारे में बात की जाए तो तस्वीर में राजेंद्र राठौड़ के पास रानीवाड़ा से विधायक नारायण सिंह देवल, मकराना से विधायक रूपाराम मुरावातिया, कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा, सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक अशोक लाहोटी और इन सब के अलावा कई लोग हैं जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं। वायरल फोटो में राठौड़ और पुनिया कांग्रेस विधायक महेश जोशी को लड्डू खिलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बाद में जब तस्वीर की सच्चाई पता करने के लिए जांच पड़ताल की गई, जब तस्वीर को गूगल पर सर्च किया गया तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया कि फोटो के साथ एक्स अकाउंट पर एक और लिंक मिला। जब लिंक को ओपन किया गया तो फोटो के ऊपर लिखा था, चुनावी माहौल में पुरानी तस्वीर वायरल, मौका महेश जोशी के जन्मदिन का था, स्थान राजस्थान विधानसभा, भाजपा नेताओं ने अपने हाथ से लड्डू खिलाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया कि ये तस्वीर विधानसभा की है और महेश जोशी के जन्मदिन 14 सितंबर 2021 की है, जब भाजपा के नेताओं ने विधायक महेश जोशी से मुलाकात की थी और उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए लड्डू खिलाया था। बता दें 14 सितंबर को विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी। उस दिन विधानसभा में 4 बिल पेश किए गए थे। महेश जोशी उस वक्त सरकारी मुख्य सचेतक थे, लेकिन बाद में नवंबर 2021 में हुए मंत्रिमंडल फेरबदल में उन्हें मंत्री बना दिया गया था। वायरल फोटो में पीछे खड़े लोगों ने मास्क लगा रखा है, जिससे साफ हो गया कि फोटो पुराना और कोरोना टाइम का है। पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल फोटो सही है, लेकिन जोशी के पार्टी बदलने का दावा गलत है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।